करते हैं इसको। टुडे वी विल स्टार्ट डाइनोफ्लेजलेट्स ना। आज क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? डाइनोफ्लेजलेट्स। डाइनोफ्लेजलेट्स। सो डाइनोफ्लेजलेट्स का जल्दी से आप लोग बताएंगे। फाइलम, फाइलम बताएंगे जल्दी से इसका। सर पायरोफाइटा। क्रायोफाइटा, सॉरी पायरोफाइटा। पी वाई डॉलर ओ पी एच वाई टी साथ में रहेगा। ओह माय गॉड क्या हो गया। पी एच वाई टी ए पायरोफाइटा डिवीजन हो गया। नाउ इसके बाद क्या होगा? फाइलम, फाइलम और डिवीजन। उसके बाद क्लास, क्लास क्या था? डाइनोफाइसी। डाइनोफाइसी, डाइनोफाइसी, डी आई आई एन ओ पी एच वाई सी ई ए, एक साथ लिखेंगे आज क्लास। एक काम करो तुम लोग, कॉपी रखो सामने और लिखते भी चलो, ठीक ना? लिखते भी चले। डाइनोफाइसी, आफ्टर दैट उसके बाद जीनस क्या हो जाएगा? जी जीनस। और भी कुछ बताया था क्या क्लास के बाद? सर सिर्फ जीनस बताए थे। हाँ, ऑर्डर कुछ नहीं बताया था, फैमिली भी कुछ नहीं बताया था, फिर जीनस में हम बताए थे ना, बहुत सारे जीनस था। नॉक्टिल्यूका था, जिम्नोडिनम था, गनालेक्स था, पायरोसिस्टिस था, पायरोडिनम था। ओके ठीक है, चलिए हटाइए ये सब। आते हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और सिंपली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर आई एस टी आई सी, आर आई एस टी आई सी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइनो फ्लेजलेट्स। ठीक ना? सो पहला पॉइंट, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, गोल्डन एल्गी, ठीक ना? ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी कहेंगे, लेकिन इसका कलर वेरी करता है, ठीक है? कलर वेरीज फ्रॉम रेड, ग्रीन, इसको ज्यादा लिखना ये सही रहेगा। कलर वेरीज डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन इट, ठीक ना? लिखते चलो यार आज, है ना? रुके ही नहीं, ये बहुत ही गंदा सा लिखा रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कॉपी सामने रखो और जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते चलो। चलिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म का हमें प्रॉपर्टी पढ़ना होता है तो हमें देखना होता है कि ये रहता कहाँ है। सर यही सब ध्यान देना होता है, रहता कहाँ पर है, बना किस चीज़ से है, खाता क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, कुछ स्पेशल फीचर्स है कि नहीं है, यही सब हमें देखना होता है ना? सो दोस थिंग विल कंसिडर हियर। सो सबसे पहले डील करते हैं इसका हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स व्हाट? हैबिटेट मीन्स ये कहाँ रहता होगा। सो इट इज प्रेजेंट और फाउंड इन मेरिन, ठीक है? मेरिन में भी पाया जाता है, ऑल्सो इन फ्रेश, ऑल्सो इन फ्रेश
वाटर, ठीक है, ये हो गया इसका हैबिटेट। जैसे कि हमने डायटम्स में बताया था कि फ्लैजुला नहीं है, बट इट हैज फ्लैजुला, इट हैज फ्लैजुला, इसके पास फ्लैजुला होता है। नेक्स्ट पॉइंट सर, थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। हाँ हाँ, थोड़ा सा, थोड़ा सा बोलोगे सर? स्क्रीन नीचे करिए ना, स्क्रीन, स्क्रीन, अच्छा ऊपर चला गया ये, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, इट हैज फ्लैजुला। फ्लैजुला किस पर्पस के लिए होता है? मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। इट हैज फ्लैजुला एंड शोस विप्लैश मूवमेंट। विप्लैश मूवमेंट विप्लश मूवमेंट कहने का मतलब होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉडी, यहाँ पे यदि फ्लैजुला प्रेजेंट है तो ये जो फ्लैजुला देख रहे हो ना, ये कंटिन्यूसली बिट करेगा इस डायरेक्शन में। ये जो फ्लैजुला देख रहे हो ना, ये कंटिन्यूसली बिट करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस तरीके से जाएगा और फिर से अपने ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएगा। कहने का मतलब ये कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में बीट करता रहेगा, है ना, घूमता रहेगा, ये घूमता रहेगा, दैट इज कॉल्ड विप्लैश मूवमेंट। इसको विप्लैश मूवमेंट बोलेंगे हम लोग। डायनोफ्लेजलेट्स हैज a shield like structure, shield like structure hai, which is known as, question aata hai aise, theca or lorica, theca or lorica, ठीक है। शील्ड का तरह स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम हम बनाएंगे अभी, ठीक है ना, उसको हम लोग थेका या फिर लोरिका कहते हैं, ठीक है। फर्दर दिस थेका एंड लोरिका हैज ठीक है पेक्टीन, ठीक है, पेक्टिन प्रेजेंट रहता है और सेलुलोज प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है बताएंगे जल्दी से? सेलुलोज एंड पेक्टिन, पेक्टिन एंड एंड सेलुलोज। सर ये वही प्लांट वाला पेक्टिन है? हाँ हाँ, सेलुलोज, सी ए डब्ल एल यू एल ओ एस ई, कमन लिखेंगे खुद से स्पेलिंग, सेलुलोज, सी ए डब्ल एल यू एल ओ एस ई, सेलुलोज। एंड बिकॉज ऑफ दिस शील्ड स्ट्रक्चर, ठीक ना, ये शील्ड स्ट्रक्चर के चलते, इस शील्ड स्ट्रक्चर के चलते इस डायनोफ्लेजलेट्स को हम लोग कहते हैं आर्मर्ड डायनोफ्लेजलेट्स, आर्मर्ड डायनोफ्लेजलेट्स। अब क्या करें, कुछ हो नहीं सकता, ठीक। आर्मर्ड डायनोफ्लेजलेट देखते हैं इसको कुछ करते, सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस, ठीक ना। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं डायनोफ्लेजलेट का, एक काइंड ऑफ फ्लैजेलेट का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। सर सारे डायनोफ्लेजेलेट्स में सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है?
चिल्ल है, हाँ सभी में होगा ऑलमोस्ट, ठीक है इस तरीके से। अरे ये तो पूरा गायब हो गया, ठीक है वरी नॉट, आई विल डू रिफ्रेश। करते यार कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है इस तरीके से, क्या डायग्राम देखेंगे, बुकलेट में हम डायग्राम दे रखे हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। दिस इज, हाँ, और ये जो आर्मर्ड, ठीक ना, ये शील्ड है, दिस इज द शील्ड, ये शील्ड है आपका, ये चार शील्ड देख रहे हो ना, इसी के तरफ बहुत सारे शील्ड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक ना, इसी तरीके से ये शील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। दिस शील्ड मेक सम ग्रूव्स, यहाँ पे कुछ ग्रूव बना हुआ है, ओके कुछ ग्रूव्स बने हुए हैं यहाँ पे, हम लोग इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव एंड ट्रांसवर्स ग्रूव। आप ये जो देख पा रहे हो ना, दिस इज ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव या ट्रांसवर्स ग्रूव, क्या बोलेंगे, कौन टेल मी, लॉन्गिट्यूडिनल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, और जो बीच से गुजर रहा है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल, ठीक ना, ट्रांसवर्स ग्रूव। हाँ हाँ बताएंगे, दिस इज ट्रांसवर्स ग्रूव, दिस इज ट्रांसवर्स ग्रूव, और ये क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। नाउ टेल मी द नेम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव एंड ट्रांसवर्स ग्रूव, ठीक है। ट्रांसवर्स ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा जी, ट्रांसवर्स ग्रुप इज नोन एज व्हाट, सल्सस, SULCUS, सल्सस, इसको सल्सस बोलेंगे, और जो लॉन्गिट्यूडिनल है उसको सिंगुलम कहते हैं, SULCUS, सल्सस हो गया, और इसको हम लोग कहते हैं सिंगुलम, SINGULUM, सिंगुलम कहेंगे। नाम लिख लेंगे अभी, द ट्रांसवर्स, कुछ गड़बड़ बता रहे हैं, रुको, जो लॉन्गिट्यूडिनल वाले को हम लोग सल्सस बोलते हैं यार, इसके चक्कर में क्या क्या हो रहा है, इसको अंडू करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ओके, द लॉन्गिट्यूडिनल इज कॉल्ड सल्सस एंड द ट्रांसवर्स इज कॉल्ड सिंगुलम, चेंज करेंगे नाम, लॉन्गिट्यूडिनल को सल्सस बोलेंगे। यार हाँ, लॉन्गिट्यूडिनल वालों को क्या बोल रहे थे, सल्सस, हाँ लॉन्गिट्यूडिनल वाले को सल्सस या ट्रांसवर्स वाले को सिंगुलम, SINGULUM, लिखते चलो आप लोग, ठीक है लिखते चलो, इसमें हम क्या लिख रहे हैं वो ध्यान मत दो, हम जो शब्द बोल रहे हैं उसको आप लोग फॉलो करोगे, ट्रांसवर्स ये कहेंगे, करेक्ट है ना। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं, उसके बाद आई कैन से, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, जो ट्रांसवर्स है और जो लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है, दे बोथ पोजेस फ्लैजिला, ठीक ना, फ्लैजिला इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, दो टाइप का फ्लैजिला होता है और दोनों का शेप अलग अलग होता है, ठीक है, हैविंग डिफरेंट शेप, ओके हैविंग डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक है, डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं,
डिफरेंट शेप एंड साइज। ठीक है, यदि फ्लैजिला ठीक ना अलग अलग शेप और साइज का होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोकोंट। ठीक है, हेट्रोकोंट बोलेंगे। डिफरेंट शेप एंड साइज, हाँ हाँ ठीक है, दो होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों सेम नहीं होगा, दोनों का शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, बनावट अलग हो सकता है। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अलग अलग प्रकार के फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे इट हैज हेट्रोकोंट टाइप ऑफ फ्लैजिला, है ना। ये हो गया, अभी हम बता रहे हैं कि फ्लैजिला कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ये फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं आपके सल्सस वाले रीजन में और सिंगुलम वाले रीजन में। ओके, फ्लैजिला इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन सल्सस एंड इन सिंगुलम, सिंगुलम रीजन। ठीक है, सिंगुलम रीजन में प्रेजेंट रहता है। अलग अलग नाम है ठीक ना, सबका अलग अलग नाम है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं जो सिंगुलम रीजन में होता है उसका बनावट कुछ अलग होगा और सल्सस वाले में कुछ अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला जो होगा वो नैरो होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। Longitudinal flagella is thin and narrow. Thin and narrow. देख पा रहे हो कि नहीं आप लोग? हेलो, दिख रहा है सर। ओके हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना। फ्लैजिला जो होता है वो longitudinal वाला पतला होगा, नैरो होगा। वाइल बचा कौन अब? ट्रांसवर्स वाला, ट्रांसवर्स फ्लैजिलम इज फ्लैजिलम इज रिबन लाइक, रिबन का तरह होता है। करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया फ्लैजिला। मूवमेंट कैसा होगा? विप्लस टाइप, मूवमेंट इज विप्लस, विप्लास्टर। ठीक है, अगला पॉइंट नाउ देखते हैं। सेल वॉल तो हो गया, सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ है ना। नेक्स्ट ये वाला, ये बहुत गंदा आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आपका पिगमेंट्स। ठीक है, पिगमेंट्स किस तरीके का होना है? पिगमेंट मींस, पिगमेंट मतलब कौन, टेल मी। पिगमेंट, हाँ पिगमेंट कहने का मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। हाँ ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है, सी नहीं प्रेजेंट रहेगा, ध्यान देंगे। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, है ना। कैरोटीनॉइड्स लाइक, कैरोटीनॉइड्स का सब ग्रुप रहेगा जैसे कि ज़ेंथोफिल, ज़ेंथोफिल एंड बीटा कैरोटीन, एंड बीटा कैरोटीन। बीटा का शेप आएगा क्या यहाँ पे? और अल्फा कैरोटीन, सॉरी अल्फा कैरोटीन, अल्फा का सिंबल आएगा यहाँ पे। लेट मी ट्राई, अल्फा कैरोटीन। ओके, अल्फा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन। ओके चलिए, अब ये एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ रहते हैं वो हम बता रहे हैं। ठीक ना, सो दिस कैरोटीन्स बेसिकली ये प्रेजेंट रहते हैं थैलाकोइड के अंदर। ओके, दिस कैरोटीन्स आर प्रेजेंट इन थैलाकोइड, कैरोटीन जो है वो थैलाकोइड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक
कैरोटीन नहीं यार, पिगमेंट्स। आधा समय तो मेरा चला जा रहा है कैलिब्रेशन में, पिगमेंट। आईपैड खाली नहीं था क्या? नो यार, थ्री क्लासेस इज गोइंग ऑन ना, थ्री क्लासेस आर गोइंग ऑन, PIGMENTS, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन प्लास्टिक, प्लास्टिक विच इज प्रोटेक्टेड बाय थ्री लेयर, विच इज प्रोटेक्टेड बाय प्रोटेक्टेड बाय थ्री लेयर्स, ठीक ना? और इसी के अंदर इनसाइड प्लास्टिड, ठीक ना, प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट है थैलाकोइड, थ्री थैलाकोइड ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक ना? तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक हो गया प्लास्टिड, ये दूसरा प्लास्टिड हो गया, इसे टच रहेगा, बनाते चलेंगे आप लोग भी, दूसरा प्लास्टिड हो गया ये, ठीक ना? और ये रहा तीसरा प्लास्टिक कॉइन, जस्ट मेक इट थ्री कॉइन्स, तीन सिक्का बनाएंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? और ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है, सही समझेंगे। सो दिस इज थ्री थैलाकोइड, ठीक है, ये तीन थैलाकोइड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा? कम ऑन टेल मी द रिजर्व फूड मटेरियल्स आर, रिजर्व फूड इसमें जो प्रेजेंट रहेगा, रिजर्व फूड इस पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एंड ऑयल, ये हो गया पॉलीसेकेराइड और ऑयल, ये हो गया इसका रिजर्व फूड मटेरियल। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर देखते हैं इसमें। ओके, मेसोकैरियन इज प्रेजेंट, आई विल टेल व्हाट इज मेसोकैरियन मींस, कैन बी सीन इन डायनोफ्लैजेलेट्स, डाइनो FLAGELLATES, डाइनो FLAGELLATES। व्हाट इज मेसोकैरियन मीन, समझेंगे, सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और डिसअपियर हो जाना चाहिए था, समझेंगे। सेल डिवीजन के दौरान नॉर्मल सेल में होता क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, समझ पा रहे हो, ठीक ना? मेसोकैरियन के केस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर नहीं होता है, है ना? नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम कंडेंस होता है तुम्हारा प्रोफेज में आके, सेल डिवीजन के स्टेजेस होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन मेसोकैरियन के केस में नेटवर्क खराब हो गया था सर, ये समझ में नहीं आ रहा, फिर से इतना ही बता, इतना ही सर, पहले स्क्रीन नीचे कीजिए ना। हाँ हाँ, अरे थैलाकोइड तक ही बताएं भाई। ये दिखा, ठीक है सर। हाँ सर, ये दिखा, हाँ ठीक ना, ठीक है। ओके, इसके बाद यही लिखे हैं बस, रिजर्व फूड मटेरियल इज पॉलीसेकेराइड एंड ऑयल लिखे हैं। मेसोकैरियन एक कंडीशन है जो डायनोफ्लैजेलेट्स में देखने को मिलता है। चलिए, सेल डिवीजन के बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं है, थोड़ा बता रहे हैं।
नॉर्मल सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ए न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है. यू नो व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस? फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, दिस इज न्यूक्लियस, और इसके अंदर एक क्लाउडी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस. यस सर. सो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं नॉर्मल सेल डिवीजन में, लेकिन मेसोकेरियोन के केस में ये दोनों डिसअपीयर नहीं होते, पहला चीज. दूसरा चीज, नॉर्मल केस में क्रोमोसोम कंडेंस करने लगता है, क्रोमोसोम है वो कंडेंस होगा, क्रोमोसोम कंडेंस होगा. क्रोमोसोम कंडेंस होना है किस स्टेज में? प्रोफेज स्टेज में. ठीक है, प्रोफेज स्टेज में कंडेंस होगा. लेकिन मेसोकेरियोन्स के केस में क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है इंटरफेज में ही. ठीक है, इंटरफेज. अब इसके लिए आपको सेल डिवीजन बताएंगे तब पता चलेगा क्या होता है इंटरफेज. इंटरफेज इनिशियल स्टेज होता है सेल डिवीजन का, तो इंटरफेज में ही इसका क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है ना. सो मेसोकेरियन कैन बी सीन इन डायरोफ्लेजुलेट. मेसोकेरियन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वेयर where chromosome get condensed at interface mein. Dusra condition bata rahe nucleolus and a nuclear membrane. Do not disappear during ये हो गया है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं इसका. सी निडेरियंस के पास, क्लास नाइन्थ में पढ़े होंगे आप लोग, निडेरियंस के पास निडोब्लास्ट होता है, स्टिंग ऑर्गन, जहर फेंकने वाला एक स्ट्रक्चर होता है. सुने होंगे आप लोग निडेरिया, निडोब्लास्ट. ठीक है, तो निडेरिया का तरह इनके अंदर भी स्टिंग ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, डंक मारने वाला ऑर्गन प्रेजेंट रहता है ना, जिसको हम लोग निडोब्लास्ट बोलते हैं. सो लिखेंगे आप लोग, हम बोल रहे हैं, लिखे जरा इसमें. सम डाइनोफ्लेजलेट पोजेस, राइट डाउन, सम डाइनोफ्लेजलेट पोजेस ट्राइकोसिस्ट. Trichocyst, T-R-I-C-H-O-C-Y-S-T, Trichocyst and Nidoblast, C-N-I-T-O-B-L-A-S-T, लिखेंगे. Some dinoflagellates possess trichoblast and nidoblast like those present in Nidaria. प्रेजेंट इन निडेरिया, उसी के तरह जैसे निडेरियंस में प्रेजेंट रहता है, सी एन आई डी ई आर आई ए एन एस, निडेरियंस में जो प्रेजेंट रहता है, लाइक दैट ऑफ निडेरियंस. फंक्शन क्या होगा इसका? इट्स फंक्शन इज व्हाट? सेल्फ डिफेंस. इट्स फंक्शन इज टू, ठीक है, इस फंक्शन आर कर देंगे, कैचिंग प्रे एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स, प्रेडेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए और भोजन को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट?
क्लियर है, आगे ये बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक ना, हल्के होते हैं ये भी डायटम्स की तरह ही। हाँ और कुछ फंक्शन बता रहे हैं इसका? हाँ इसके पास नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसको हम लोग सूल कहते हैं, इट हैज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल CONTRACTILE, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉल्ड, ये क्वेश्चन आता है सूल। ठीक है PUACL सूल प्रोनाउंस करेंगे इसको। डिसाइड इसके अलावा 2-3 वैक्यूल्स भी प्रेजेंट रहता है, वैक्यूल्स वैक्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है ये भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है कुछ पार्टिसिपेटिंग जो पार्टिसिपेट करता है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट द वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन एंड फ्लोटेशन विच हेल्प्स इन, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? रेगुलेशन ऑफ वाटर। हाँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, ठीक है, इट मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इन द बॉडी, है ना, जैसे कि हमारे शरीर में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है किडनी, समझ गए ना, एमोवा में करता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, हमारे अंदर किडनी, सो डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर ये काम करता है वैक्यूल्स एंड फ्लोटेशन कहने का मतलब तैरने में बोल सकते हैं, है ना, तैरने में मदद कर रहा हूँ। हाँ अब बारी आता है रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन कैसे होना है देखते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है जी, REPRODUCTION Come on, tell me, sexual or asexual? दोनों होना है, asexual? Asexual में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, binary fission and sexual type, sexual follows conjugation? ना वो सब नहीं होता है इसमें, सेक्सुअल फॉलोस आइसोगेमस एंड एन आइसोगेमस टाइप, ठीक है, आइसोगेमस एंड एन आइसोगेमस टाइप, है ना, आइसोगेमस और एन आइसोगेमस टाइप याद रखेंगे। नाउ Some of the dinoflagellates are diploid. Some are diploid and some are haploid. Some are diploid. Diploid कहने का मतलब two sets of chromosomes. 2n. Now tell me, in diploid organism में zygotic meiosis होगा कि gametic meiosis होगा? Gametic meiosis. Gametic meiosis. ठीक है. Following. Following. Which type of meiosis? Following. Gametic.
मियोसिस ओके एग्जाम्पल नॉक्टिलियो का नॉक्टिल्यूका NOCTILUCA नॉक्टिल्यूका ओके सम आर हैप्लोइड हैप्लोइड है तो हैप्लोइड क्या करेगा जी बताओ ये किस प्रकार का मियोसिस फॉलो करेगा गैमेटिक मियोसिस जायगोटिक जायगोटिक मियोसिस फॉलोइंग यस फॉलोइंग zygotic meiosis zygotic meiosis hai na so example de rahe gymnodynum example gymnodynum gymnodynum ye genus hai ye dono genus hai ये दोनों जीनस है नॉक्टिल्यूका और जिम्नोडाइनम दीज आर जीनस ना ये दोनों जीनस ठीक है चलिए अब वो बताते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है गनालक्स ध्यान से सुनेंगे गनालक्स GONYAULAX गनालक्स क्या करता है ये एक ही समय में सारे के सारे गोनालक्स एक ही समय में सेल डिवीजन करते हैं इतना तेजी से सेल डिवीजन करते हैं कि वो एरिया जो रहता है ना जहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लाल दिखने लगता है रेड दिखने लगता है ठीक है जिसके चलते कहते हैं कि इट इज कॉजिंग रेड टाइड ठीक है गोनालक्स अंडरगोस एनसीईआरटी का लाइन ओके दिस इज द लाइन फॉर एनसीईआरटी क्या हो गया यार ये कुछ तो क्या वेट गाइस ठीक है गनालक्स गनालक्स कॉजेस अंडरगोस ज्यादा सही रहेगा अंडरगोस अंडरगोस UNDERGOES रैपिड सेल डिवीजन रैपिड सेल डिवीजन ड्यू टू विच द सी लुक्स रेड विच इज नॉन एज रेड टाइड ध्यान देंगे आई एम यूजिंग द वर्ड रेड टाइड सो क्वेश्चन आता है रेड टाइड इज कॉज्ड बाय व्हाट गोनालक्स रेड टाइड किसके चलते होता है गोनालक्स के चलते होता है इफ द क्वेश्चन इज आस्क व्हाट इज रेड सी इज बिकॉज ऑफ व्हाई द रेड सी इज बिकॉज ऑफ या फिर व्हाट इज रेड सी और विच ऑर्गेनिज्म मेक्स द सी एज रेड कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है तो रेड सी के बारे में बताया था याद आ रहा है इरिथ्रियम ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम साइनोबैक्टीरिया में बताया था लाल प्रेजेंट लाल होते हैं इनका इनका पिगमेंट लाल होता है समुद्र पूरा लाल दिखने लगता है जिसको कहा जाता है रेड सी इज बिकॉज ऑफ एरिथ्रियम ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम रेड टाइड इज बिकॉज ऑफ प्रोटिस्टा गोनालक्स चलिए दूसरा नॉक्टिल्यूका एंड पायरोसिस्टिस और पायरोडिनम नॉक्टिल्यूका नॉक्टिल्यूका पायरोसिस्टिस
सुन पा रहे हो ना जी? हेलो, यस सर, यस सर। नॉक्टिल्यूका हो गया, पायरोसिस्टिस हो गया, पायरोडिनम हो गया, PY, पायरोडिनम, PYRRODINIUM, पायरिडिनम, ओके, PY, पायरोडिनम, PYRRODINIUM, क्या हो गया? नॉक्टिल्यूका, पायरोसिस्टिस, पायरोडिनम, ठीक ना? ये क्या करते हैं? दे इमिट्स लाइट, इमिट्स लाइट, इमिट्स लाइट ड्यूरिंग नाइट। कब करते हैं? रात के समय में, रात के समय में, ठीक ना? इसीलिए नॉक्टिल्यूका को कहा जाता है गोस्ट ऑफ द सी। नॉक्टिल्यूका इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज गोस्ट। गोस्ट मतलब सी, ठीक है? ध्यान देंगे, लाइट इमिट करने की टेंडेंसी दो प्रकार से होती है। एक तो केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, जो तुम्हारा ये करती है फायरफ्लाई, फायरफ्लाई देखे हो ना, जुगनू जिसको कहते हैं, yes, हाँ ठीक है। और एक होता है फिनोमेनन दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस, PHOSPHORESENCE, एक फिनोमेनन होता है फॉस्फोरेसेंस। इट मींस ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी इन द डे टाइम एंड इमिटिंग दैट लाइट एनर्जी इन द नाइट, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस फिनोमेनन, ठीक है? फॉस्फोरेसेंस का ये मतलब होता है, दिन के समय में वो लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं, और रात के समय में, ठीक ना, वो इमिट करते हैं। दिन के समय में लाइट इमिट नहीं करेंगे, दिन के समय में सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सन एनर्जी को ट्रैप करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, है ना? ओके, सो बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी आता है बिकॉज ऑफ फॉस्फोरेसेंस, बायोल्यूमिनेंस, बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी ऑफ डायनोफ्लैगेलेट्स। डायनोफ्लैगेलेट्स, ठीक है, ये हो गया। चलिए और कुछ हम बता रहे हैं, एक और इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, कनालेक्स के बारे में। गोस्ट ऑफ द सी क्यों बोलते हैं इसको? अरे भैया, रात को लाइट कहीं पे दिखेगा समुद्र के अंदर, तो डर ही तो लगेगा, है ना? कहीं पे कोई है नहीं, आप मनुष्य है नहीं, अचानक से तुम्हें वहां पे रोशनी दिखेगा तो तुम क्या शक करोगे? वहां पे भगवान बैठे हैं, भूत ही बैठा होगा ना, या लाइट वहां पे टावर पड़ा होगा, ठीक ना? लाइट टावर तो होगा नहीं समुद्र के पीछे भी, है ना? इसलिए इसको भूत कहा गया, समुद्र का रात को चमकता है इसीलिए। नाउ द लास्ट वन, गोनालेक्स, ठीक है, गोनालेक्स रिलीजेस सम पॉइजनस कंपाउंड दैट इज कॉल्ड सैक्सिटोसिन, सैक्सिटोसिन, ठीक है? गोनालेक्स रिलीजेस सम पॉइजनस कंपाउंड दैट इज कॉल्ड सैक्सिटोसिन। दिस सैक्सिटोसिन इज एब्जॉर्ब्ड बाय zooplanktons, फॉलोड बाय स्मॉल फिशेस, फॉलोड बाय लार्ज फिशेस, followed by some large fishes, ultimately followed by men. समझे कि नहीं समझे? इस poison को कौन consume करेगा? Succotoxin poison is consumed by fishes. ठीक है, fishes. मछलियां खाया,
मछलियों ने खाया इसको, मछली को फिर कौन खाया? मनुष्य ने, ठीक है। मछली को तो कुछ नहीं हुआ, फिश को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य को एक प्रकार का बीमारी होने लगा, दैट इज कॉल्ड पैरालिसिस डिजीज, व्हिच इज डिस्क्राइब्ड एज पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीएसपी, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग। लिखेंगे इस, राइट डाउन, गनालेक्स रिलीजेस अ पॉइजनस कंपाउंड कॉल्ड साक्सिटोसिन, which is eaten by or uptake by fishes. Succitocin don't harm fishes, but true fishes, true fishes, this poison reaches man, causing paralysis in man. That paralysis is known as paralytic shellfish poisoning. Paralytic shellfish poisoning कहेंगे इसको, ठीक है। चलिए खत्म हो गया। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द जाइनोफ्लैजेलेट्स। कुछ पूछना है पूछ सकते हो। इसमें से इम्पोर्टेंट होगा आपका क्या? इसमें से इम्पोर्टेंट होगा आर्मर्ड डाइनोफ्लैजेलेट्स वाला, इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे जी, आर्मर्ड डाइनोफ्लैजेलेट्स, बायोल्यूमिनेसेंस वाला, और हेट्रोकॉन्ट लिखो ना, अलग अलग प्रकार का फ्लैजिला होता है, ठीक है। बस, और ये पॉइजन स्टिंग ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, ट्रैकियोब्लास्ट एंड नीडोब्लास्ट, ये तीन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका डाइनोफ्लैजेलेट्स खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग योगलीला डील करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डाउट है पूछो। अगला क्लास 4:30 बजे, 4:20, 4:20 से स्टार्ट होगा। अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। कहाँ गया पार्टिसिपेंट्स को? पार्टिसिपेंट्स कहाँ गया उसको? ये क्या है? पर हम लोग के भी स्क्रीन में लिखने का ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं हम लोग भी जब करते होंगे तो इस पे आ जाता होगा। ये पता नहीं, ये तुम लोग लिखा है जी, ये सर देखो तो इतना सारा। सर सब एक एक करके इसमें ट्राई किया है, सब ट्राई किया है, ठीक है, हम तो देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन पूछोगे जी जल्दी, सांभवी, शाश्वत, श्रुति, देवांश, ये भी लेक्चर हम डाल देंगे यूट्यूब पे, और बाकी सब लेक्चर अपडेट हो गया है। ये कौन लिख रहा है जी? Who is writing this? अब लिख के देखो जरा, हो रहा है क्या? अब no, करके देखो। हाँ।
सर पेन वाला ऑप्शन वा? अरे ऑप्शन हम बंद कर दिए है ना अब नहीं ना आएगा ठीक है अब नहीं होगा हम बंद कर दिए यहाँ से I have disabled that one. So no issue, ये कोई दिक्कत नहीं है मस्ती करना है बीच बीच में ठीक ना लेकिन पढ़ाई भी करना है ठीक है ठीक है सो डाउट पूछेंगे अभी चलिए छोटा सा क्विज ले लेते हैं एक सर हाँ जी बोलो सर डायनोफ्लैजेलेट्स का जो रिजर्व फूड है ना उसमें फ्यूकोजेंथिन टाइप का भी कुछ आ रहा था वो क्या है फ्यूकोजेंथिन अरे भाई वो उसका रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है वो उसका पिगमेंट है फ्यूकोसिन फ्यूकोसिन लिखा होगा कहीं फ्यूकोसिन फ्यूकोसिन हो सकता है लेकिन फ्यूकोजेंथिन इज अ पिगमेंट इट्स अ टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स क्या होता है वॉलेटिन ग्रैन्यूल इज नथिंग बट द ऑयल ड्रॉपलेट्स ऑयल ऑयल ड्रॉपलेट्स को कहते हैं वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स यहाँ पे है नोट पेड वन नोट कहाँ है सर यहाँ पे वन नोट डेस्कटॉप पे नहीं है क्या उसको डेस्कटॉप पे रखिए पिन करके लेट मी डू आई एम डूइंग नाउ लेट मी डू दिस हाँ पूछो जी जल्दी नहीं पूछेगा हम पूछेंगे सवालों को ओके टेल मी that property which is equivalent to animal shown by the protista protista ke paas wo kaun sa property hai jo animal se resemble karta hai come on property of protista resembling animal come on tell me answer kya hoga iska crops hote hain kuch kya hote hain heterotrophic hote hain okay heterotrophic or well defined nucleus na heterotrophs hote hain cell wall nahi rehta hai kisi ke paas hai na ye do property ho jayenge theek hai chalo same rahega animal wala ho gaya दूसरा बताएंगे आप लोग प्लांट के साथ जो रिजेंबल कर रहा होगा प्लांट के साथ जो प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा किसी किसी में सेल वॉल होते हैं यस सेल वॉल पोजेस क्लोरोफिल वेरी गुड ठीक है सर मिक्सोट्रॉपिक नहीं मिक्सोट्रॉपिक नहीं मिक्सोट्रॉपिक सिर्फ प्रोटिस्टा ही कर पाता है मिक्सोट्रॉपिक और कोई किंगडम नहीं कर सकता ओके फंजाई का तरह प्रॉपर्टी शो करना फंजाई का तरह कौन फंजाई की तरह प्रॉपर्टी शो करना वाला प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटिस्टा सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं फ्रूटिंग बॉडी होता है इसके पास ठीक है फ्रूटिंग बॉडी होता है बताएंगे फ्रूटिंग बॉडी हम स्लाइम मॉल्स में अच्छा और प्रॉपर्टी बताओ जो बैक्टीरिया के साथ रिजेंबल करता हो स्पोर्स होता है स्पोर फंगाई के रिलेशन में होता है भी यूनिसेलुलर होता है ठीक है सही है जोसना सही है स्पोर होता है बताया तो था स्टार्टोस्पोर ऑक्सोस्पोर तो सर वो फंगाई के साथ उसका फंगाई के साथ भी स्पोर्स होता है फंगाई में कोनिडियल स्पोर होता है ठीक ना ओइडियल स्पोर होते हैं बोल सकते हैं बहुत सारा प्रॉपर्टी सिमिलर है एक दो ही नहीं
ठीक है, पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से और यहीं पे लेक्चर कंटिन्यू होगा केमिस्ट्री का ना, ठीक है, एट 4:20 PM चलो।